नमस्कार, मैं योग गुरु सुनील सिंह और मेरे साथ हैं योगिनी सुजाता सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हलासन। हलासन योग का एक जटिल आसन है, मुश्किल आसन है। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों को हलासन का योग गुरु के सानिध्य में अभ्यास करना होगा। जैसा इसका नाम आपने देखा है कि गाँव में हल नुमा हल से हम खेती करते हैं, इसीलिए हमारे योगी और ईश्वर ने इसका नाम रखा है हलासन। तो आइए करते हैं हलासन। सबसे पहले योगिनी सुजाता दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को फैला लीजिए। ये देखिए योग में कहलाता है दंडासन। और धीरे धीरे आप पीठ के बल लेट जाइए, धीरे लेट जाइए बहुत अच्छा। और अपने पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाइए अपने पैरों को, ब्यूटीफुल देखिए। और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लगाने का प्रयास कीजिए। जितनी सरलतापूर्वक आप इसका सहजपूर्वक जिसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि हलासन आसानी से लग जाता है। और ये देखा आपने हलासन, और धीरे धीरे योगिनी वापस आइए बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस आइए, बहुत खूब वापस आइए। तो ये आपने देखा एक बार हलासन, एक बार और कर लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए हलासन किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा योग का मुश्किल आसन है। जो लोग भी हलासन का अभ्यास करते हैं, हलासन मधुमेह के लिए रामबाण का उपचार होता है, पेट संबंधी समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, रक्त का संचार चेहरे की ओर बढ़ जाता है, तो इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, चेहरे पे कांति आती, तेज आती, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, महिलाओं के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार हम फिर करेंगे, उसके बाद मैं आपको हलासन की सावधानी बताऊँगा। चलिए योगिनी स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे पैरों को उठा लीजिए। देखिए किस प्रकार से अपने पैरों को उठा रही हैं। और 90 डिग्री लाने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लगाने का प्रयास कीजिए। अगर जिन लोगों का पीछे पैर नहीं लग पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आप अभ्यस्त होंगे आपका धीरे धीरे पैर लगना शुरू हो जाएगा। योगिनी वापस आइए। और ये देखा आपने हलासन, उसके बाद सुखासन में बैठ जाइएगा। मैं हलासन में सावधानियाँ बताऊँगा, बैठ जाइए सुखासन में। तो ये आपने देखा हलासन, लेकिन हलासन उन लोगों के लिए वर्जित होता है जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, अल्सर हो, हर्निया हो, गर्भवती महिला, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। और जो नए अभ्यासी हों वो योग गुरु के सानिध्य में स्नेह स्नेह इसको अभ्यास करेंगे। तो ये आपने देखा योगा लवर्स की सीरीज में हलासन किस प्रकार से किया जाता है।